वाह, ये हमने बनाया है स्पेशल नाश्ता, एकदम क्रिस्पी और क्रंची नाश्ता, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। इसको सर्व किया हमने नारियल चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ, तो अगर आपको जैसे भी पसंद हो, चाय के साथ भी सर्व कर सकते। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रिस्पी सा नाश्ता, आलू से नाश्ता बनाएंगे, क्योंकि बारिश के टाइम चल रहा है भाई, बारिश बहुत हो रही है, तो उसके लिए हमें गर्मा गर्म किसी नाश्ता बनाना तो बनता है। उसके लिए ही हमने 4 बॉयल किए हुए आलू लिए हैं। इनको अच्छी तरीके से फोर्क की सहायता से मैश कर लेंगे, अच्छी तरीके से इसको मैश करेंगे। सारे आलूओं को अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। आलूओं को हमने अच्छी तरीके से वो मैश कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 हरी मिर्च कटी हुई, ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लहसुन 2 से 3 कली हमने लहसुन लिया है। 1 प्याज ली है। कुछ मसालों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, आमचूर पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये नाश्ता बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। प्लीज़ गाइस, मैं आपको यहाँ याद दिला दूँ, अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे किया करें। तो इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो स्टफिंग हमारी बनके तैयार हो गई है, इसको रख देंगे हम साइड में। अब हम क्या करेंगे, एक सिलेरी बनाएंगे। उसके लिए हमने मैदा ले लिए थोड़ी सी, थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स, अगर आपके पास हरे धनिया हो तो वो भी डाल सकते हो, थोड़ा इनसे लुक अच्छा आ जाता है। थोड़ी सी हमने चिली फ्लेक्स डाल दी है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पतला घोल सिलेरी की तरह बना के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से इसको हम एक घोल को तैयार करेंगे पतला। सिलेरी हमने बना के रख ली है, इसको रख देंगे साइड में। ये हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, तो इन ये हमारे यूज आएंगे, तो इनको रख देती है। अब यहाँ से एक आलू ये स्टफिंग लेंगे हम, थोड़ा सा हाथ को हम चिकना करेंगे इस तरीके से, ऑयल से थोड़ी सी इसमें से स्टफिंग लेंगे, और आप जैसे चाहो वैसे आकार की आप लोई बना सकते हो। इस तरीके से इसको गोल आकार देंगे हम इस तरीके से, इस तरीके से, और इसको साइड में रख देंगे। बहुत अच्छा लगता है ये नाश्ता, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। फिर से बनाएंगे इसी तरीके से हम, इसी तरीके से, बहुत टेस्टी लगता है ये नाश्ता। इस तरीके से गोल गोल बना के हम रख लेंगे। नाश्ते को हमने बना के रख लिया है, देखो आपने कितनी जल्दी बनके तैयार हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इनको रख देंगे साइड में। यू हमने सिलेरी बनाई थी ना नाश्ते को, गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है, जब तक फ्राई पैन रख दिया है ताकि थोड़ा गर्म हो जाएगा, ऑयल डाल दिया है उसमें। अब हम क्या करेंगे, एक नाश्ता लेंगे इसमें से और इसमें डिप्स करेंगे सिलेरी में, आराम से 1-2 बार उठाएंगे, और इसको जो ब्रेड क्रम्स है ना उसमें इस तरीके से हम लगा लेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। फिर से हम डिप कर देंगे इसमें इस तरीके से। बहुत टेस्टी लगता है ये नाश्ता, आप एक बार बनाकर देखना। फिर से हम इससे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इसको हम साइड में रख देंगे, फिर से इसमें डिप करेंगे। इसी तरीके से हम सारे डिप कर लेंगे। चलते हैं गैस की तरफ, इसी तरीके से हम फिर से लगाएंगे। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने फ्राई पैन रख दिया है, इसमें हम नाश्ते को ऐड करेंगे।
ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, इसमें नाश्ते को हम डालते जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से सारे नाश्ते को डालेंगे इसमें। आप चाहो तो इसकी जगह सफेद तिल लगा सकते हो। इसी तरीके से हम सब कुछ सेक ले। नाश्ते को हमने अलटते पलटते सेक लिया है, धीमी फ्लेम पर हमने सेका है, कितना प्यारा कलर आया है हमारे नाश्ते का। अब इनको हम निकालेंगे, नाश्ते को हम निकालेंगे। आराम से निकल जाता है हमारा नाश्ता, इस तरीके से निकालेंगे। इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है ये नाश्ता। इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लेंगे। क्रिस्पी नाश्ता है हमारा बन के तैयार। देखो आपने इसको सर्व किया हमने नारियल चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ, कितना अच्छा हमारा नाश्ता लग रहा है। इसको हमने सिर्फ 5 से 6 मिनट में बनाया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है हमें नाश्ते को बनाते टाइम। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, मैं आपको क्रिस्पनेस सुना देती हूँ, एक बार क्रंचनेस सुना देती हूँ। देखो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत क्रंची, एकदम ऊपर से क्रंची, अंदर से एकदम सॉफ्ट नाश्ता है हमारा बनके तैयार।